तो इसी वजह से आज मैं 9th पंजाब टेक्स्ट बुक हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। तो उसका पहला आर्टिकल हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको क्लियर करता चलूँ कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो आपकी है ना केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन आपको कोई भी बंदा पूछ सकता है। राज अच्छा बंदा भी आपसे पूछेगा कि आप 9th में हो, आपने कहा जी मैं 9th में हूँ, उससे और कुछ ना तो होगा तो ये क्या देखा व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, वो है क्या चीज। तो अगर मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन करता हूँ तो मैं यूँ करूँगा कि केमिस्ट्री साइंस की एक वो शाखा है जिसमें हम मादा की साख, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ प्रोटीन की, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोटीन किस शहर से मिलकर बनते हैं, आप जानते होंगे एक प्रोटीन होने से मिलकर बनते होते हैं, उनके रिएक्शन क्या है, कि दूसरे क्या प्रोटीन के बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम केमिस्ट्री के रूप में ले जाते हैं। तो बात करें अगर इसकी ब्रांचेस की, तो पहली ब्रांच की जो पंजाब टेक्स्ट बुक में है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री असल में है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें हम मादा की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन देखते हैं कि वो बना किस चीज हुआ, और का बन गया देखें ये पॉइंटर है, इसके अगर हम कंपोजिशन देखते हैं ये देखें ये इसकी कैप, ये लूप और ये इसकी बॉडी, तो ये है इसकी फिजिकल चीज है। फिजिकल से आप जो हम डाल दे रहे हैं वो वीडियो में क्या है, ये देखें इसका लोब है ये वाला, ये कैप ये बॉडी है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लिखने के लिए काम आता है, ये अगर कोई क्लास में बच्चा बोल रहा हो तो टीचर रूम करके फेंकते उसके सर में फेंकते हैं, ये भी क्या है प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी मादे की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ब्रांच आपका पीछा नहीं करने वाली, इस ब्रांच में आपको सेकंड ईयर तक जाने इसके साथ, बल्कि थ्रू आउट जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसकी डेफिनेशन अगर आप अभी क्लियर कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स और उनके कंपाउंड की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैथिन के, आप जानते होंगे मैथिन का नाम तो सुना होगा ना, CH4, ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कैसे पता चला, क्योंकि ये कार्बन और दूसरा क्या हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो ये इस कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स से जो भी चीजें मिलकर बनती हैं वो हम किस पे स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम देखेंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वो नेम से जाहिर हो जाएगा, ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक का मतलब है जिनमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी कंपाउंड है और उनके डेरिवेटिव है हम उनकी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है जी NO2 है, NO2 के आयन में ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो हम ये क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, समझ आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक में हम इन दोनों के अलावा और उनके डेरिवेटिव जो भी मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब सुनते हैं आप जब आप दिमाग में तो क्या, बायो मीन्स लाइफ, बायोलॉजी जैसे आप पढ़ते होंगे बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स क्या है, बायो मॉलिक्यूल आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके लिपिड्स, आपके प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं पहले रेड स्टार्ट करूं तो वो आ जाते हैं आपका पेंटोजेस हेक्सोजेस, हेक्सोजेस को अगर आगे करूं तो फ्रुक्टोज ग्लूकोज, ये सब क्या है बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंपोजिशन इनके स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी कौन सी ब्रांच में हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम ब्रांच देखते हैं, नेक्स्ट ब्रांच हम देखे हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे आपने इंडस्ट्रीज का नाम सुना हुआ है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो भी केमिकल कंपाउंड है उनकी प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल स्केल पे या कमर्शियल स्केल पे कैसे होती है, इस ब्रांच में हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडस्ट्रियल स्केल पे हम क्या चीज बना रहे हैं, अमोनिया बन गया है, LH3 सल्फ्यूरिक एसिड किंग्स ऑफ केमिकल जिसे कहते हैं H2SO4, वो क्या है, वो एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नतीजे में बनने वाली चीज है। इसके अलावा यूरिया के कार्य हम देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, वो टेंथ में आप जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडिएक्टिव रेडिएक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं, ये केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम रेडिएक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस जो भी इन्वॉल्व होते हैं किस चीज के कार्य में हम वो देखते हैं, उनके इफेक्ट्स एनवायरमेंट पे क्या होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज पर रिजर्वेशन करते हैं फूड की, उसमें भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन एवर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट का क्या मतलब है, एनवायरमेंट का मतलब है माहौल, आपके इर्द गिर्द की चीजें। तो साइंस की केमिस्ट्री की ये वो शाखा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जिसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट देखते हैं किस चीज पे, एनवायरमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ जमीन पर आ रहे हैं, लेकिन मैंने नुकसान नहीं करना फिल्ट्रेशन आपने सुना होगा कि जो भी मिक्सर है आपने प्योरेस्ट चीज हासिल कर लिया, तो फिल्टर करेंगे एक चीज को, प्योर चीज आप अपने पास रखेंगे और जो मिक्सर होगा जो आपको चीज नहीं चाहिए वो आप बाहर लाएंगे। इस ब्रांच जो ये सारा प्रोसेस है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम आर्टिकल 1.2 बेसिक डेफिनेशन का करेंगे, वो इंशाल्लाह जल्द आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको अगली वीडियो मिल सके। थैंक यू।